दोस्तों पीसी असेंबल करने के लिए जो मदरबोर्ड दिया हुआ है इसमें सबसे पहले आपको लगाना है प्रोसेसर और प्रोसेसर के ऊपर आपको लगाना है सीपीयू फैन। दोस्तों आपने मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। इसका यूज मैं उस समय करता हूँ जब किसी को कंप्यूटर सिखाते समय कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसके दिमाग में जो भी नट बोल्ट ढीला होता है उसे टाइट करने के लिए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, इसे देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक कंप्लीट पीसी असेंबल कैसे करते हैं। असेंबल क्या होता है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी पार्ट होते हैं सभी को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो हम कंप्यूटर तैयार करते हैं उसी को बोलते हैं असेंबल करना। दोस्तों आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपके पास जो भी कंप्यूटर है उसमें दो चीजें होती हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे दोस्तों कंप्यूटर पे हम जब काम करते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सभी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट है जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे ना हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आपने वहां पे 2+2 किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 है। वहां पे 4 कैसे आया, तो कंप्यूटर में जो इंटरनल काम होते हैं वो होते हैं सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। तो आज हम सीखने वाले हैं एक कंप्लीट पीसी असेंबल कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक कंप्लीट पीसी असेंबल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे पार्ट होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी पार्ट में आपको दिखा देता हूँ, सभी पार्ट को कनेक्ट करके एक कंप्यूटर कैसे तैयार करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं कैबिनेट। ऐसे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे क्या बोलते हैं तो कंप्यूटर सीखते समय आपको बताया गया होगा कि इसे बोलते हैं सीपीयू। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल खाली है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ऐसे अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो इसे हम डब्बा बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं कैबिनेट। ये बिल्कुल खाली है, इसे बोलते हैं SMPS। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी केबल है और ये हमारा SMPS है। एक कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा पावर जाता है वो जाता है SMPS से, और जो मेन पावर केबल होती है वो यहाँ SMPS में लगती है दोस्तों। इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर में जितने पार्ट कनेक्टेड होते हैं वो सभी होते हैं मदरबोर्ड से। इसे बोलते हैं प्रोसेसर, इसको हम CPU के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा बड़ा सा डब्बा होता है उसे हम बोलते हैं CPU। नहीं दोस्तों, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं जब हम कैबिनेट में कनेक्ट कर देते हैं तो वो पूरा कनेक्ट होने के बाद वो हमारा बन जाता है कि CPU, लेकिन एक्चुअल में हम इसे बोलते हैं CPU। इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, और आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में सुना होगा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो इसी को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे एक ह्यूमन का जो माइंड होता है वो यहाँ पे होता है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये काफी तेज हीट होता है, तो इसको कूल करने के लिए इसके ऊपर लगा जाता है CPU फैन। ये जो आप फैन देख रहे हैं छोटा सा, इसको हम CPU फैन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसको लगा जाता है CPU के ऊपर कूल करने के लिए। कंप्यूटर स्टार्ट करते ही ये काफी तेज हीट हो जाता है, तो ये हीट ना हो इसीलिए इसके ऊपर लगा जाता है CPU फैन। इसे हम बोलते हैं रैम। जब हम कंप्यूटर या फिर अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो जो भी डिस्प्ले पे हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है रैम से। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर सेव करने के बाद डाटा हमारा चला जाता है हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन डाटा सेव करने से पहले जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो हमारा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर। इसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। एक कंप्यूटर के अंदर जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और जो भी हम काम करके सेव करते हैं वो हमारा सेव होता है हार्ड डिस्क के अंदर। ये हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी है। और दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड और इसे हम बोलते हैं माउस। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट PC असेंबल करके दिखाऊंगा दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आज इस वीडियो मैंने आपको क्या बताया। इसे हम बोलते हैं LED मॉनिटर। जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं जो हमें डिस्प्ले होता है वो होता है मॉनिटर पर। इसे हम बोलते हैं पावर केबल। मॉनिटर CPU में पावर देने के लिए इस वाले केबल का यूज किया जाता है। ये देखिए इसमें होता है 3 पिन, और ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं BGA केबल। CPU और मॉनिटर में इन दोनों पोर्ट को लगाया जाता है। जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं वो जो डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर वो इसी केबल से होता है। दोस्तों ये तो हो गए हमारे कंप्यूटर का सभी हार्डवेयर पार्ट है। अब असेंबल कैसे करना है तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन सा पार्ट आपको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों पीसी असेंबल करने के लिए जो मदरबोर्ड दिया हुआ है इसमें सबसे पहले आपको लगाना है प्रोसेसर, और प्रोसेसर के ऊपर आपको लगाना है सीपीयू फैन, और इसके बाद आपको लगाना है रैम। कैसे लगाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रोसेसर सॉकेट है आपको इस तरीके से इसे ओपन करना है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया, बड़े आराम से ओपन करना है दोस्तों। इसमें जो छोटी छोटी पिनें होती हैं, ये कोई भी पिन आपको टूटना नहीं चाहिए। गलती से अगर एक पिन भी टूट गया तो आपका मदरबोर्ड बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोसेसर दिया हुआ है आपको यहाँ पे कट मैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर जो आप देख रहे हैं, ये जो इसका खोलने का कवर है इसके जस्ट सामने होता है, देखिए यहाँ पे इस टाइप का बना हुआ भी है। तो मैं इस यहाँ पर पहले आपको प्रोसेसर एक बार क्लीन कर लेना, और इसे आपको इस तरीके से ऐसे लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे देखिए बड़े आराम से लगाना है दोस्तों, ताकि इसका पिन टूटे ना। और यहाँ पर इसे आपको क्लोज करना है, और ऐसे आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है। और ये देखिए, अगर आपको रैम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लगाना है, तो आप इसका ना कट मैच कर लेना। देखिए इसमें दिया होता है कट, यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और ये जो कट यहाँ पे ऐसे मैच हो गया। और यहाँ पे देखिए ऐसे आपको इस तरीके से आपको लगा देना है। दो सॉकेट जो आप देख रहे हैं ये ओपन है दोस्तों, तो यहाँ पर दबाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है। रैम में बिल्कुल इधर टच हो जाएगा, यहाँ पे इसे कट दिया होता है तो रैम में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमने रैम लगा दिया है। अब ये जो ये दिया हुआ है सीपीयू फैन, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे पिन दिया हुआ है, और ये इसमें पेज दिया हुआ है। तो इन सभी को यहाँ पे इस तरीके से आपको लगा देना है। और इसमें दिया होता है ये देखिए, इसमें पावर का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी दिया हुआ है चार पिन के लिए, और यहाँ पर दिया हुआ है चार पिन, ये देखिए। तो आपको इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, मैं आपको लगा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसे लगा देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैं स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे मैं टाइट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर से इसे मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया, ये देखिए ये बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत भी ढीला रह गया तो जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन करेंगे इसका सीपीयू हो जाएगा हीट, और कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये जो सीपीयू फैन है ये बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अगर मैं इसे पकड़ उठाऊंगा ना तो मदरबोर्ड भी उठ जाएगा, ये देखिए। अब इस वाले मदरबोर्ड को हमें लगा देना है कैबिनेट में। दोस्तों ये है मेरा कैबिनेट कंप्यूटर के सभी पार्ट इसके अंदर लगाने के लिए। ये जो ऊपर का जो पैनल दिया हुआ है इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे दिया हुआ पेज, इसमें चार पेज होते हैं दोस्तों। तो इसे खोलने के लिए ऊपर के जो दो पेज है इसे आपको खोल लेना है। और यहाँ पे इसे मैं देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे मैं इसे खोल लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले लगाना है SMPS यहाँ पर। तो SMPS कैसे लगाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिया हुआ SMPS, तो इसमें आपको देख लेना है ये कैसे फिट होगा, ठीक है। यहाँ पर कवर इसका बना रहता है, तो मैं यहाँ पर खुद चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे हाँ फिट हो गया, ठीक है, ये ऐसे फिट हो गया है। और यहाँ पे इसमें बैक साइड में चार पेज लगाना होता है। यहाँ पे चार पेज लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ। SMPS में लगा दिया है, और अब हमें यहाँ पे लगाना है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड यहाँ पे मेरे पास है, मैंने मदरबोर्ड में यहाँ पर सीपीयू फैन और रैम लगा दिया है। बस इसे यहाँ पे हमें लगा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो पैनल दिया हुआ है ना, ये देखिए बैक पैनल दिया हुआ है यहाँ मदरबोर्ड का, तो यहाँ पे दिया होता है इसमें, ठीक है, इसमें हमें बैठाना पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे भी आप है आप देख लेना कैसे लगाना है आपको, और इस तरीके से आपको यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ बिल्कुल ये फिट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल फिट हो गया। और इसमें चार पेज दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ लगेगा, एक इस कोने में, एक इस कोने में, और एक इस कोने में। तो चारों में मैं पेज लगा देता हूँ। तो दोस्तों इसका मैंने यहाँ पे पेज लगा दिया है, और अब हमें यहाँ पे लगाना है हार्ड डिस्क। दोस्तों ये है मेरा हार्ड डिस्क, ये 250 GB का है। तो यहाँ पर हमें लगाना है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना हार्ड डिस्क लगा दिया है, और इसका मैंने यहाँ पर पेज भी लगा दिया, ये देखिए हार्ड डिस्क बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ये देखिए। तो हार्ड डिस्क लगा करके जो भी इसका पेज है यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों ये है साटा केबल, इसमें दोनों साइड में एक जैसा ही होता है, आप किसी को भी किसी में लगा सकते हैं। मतलब ये जो दिया हुआ है आप इन दोनों में से किसी को भी हार्ड डिस्क में लगा सकते हैं, और किसी को भी आप मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब इसमें इसका कट होता है दोस्तों, आप यहाँ पर जब कट बैठाएंगे ना तो भाई आराम से ही बैठ जाता है। मान लीजिए ऐसे अगर नहीं लग रहा है इसे आप इसे घुमाइए, ऐसे मैंने इसे घुमा दिया और यहाँ पर इसे मैंने ये ऐसे बैठा दिया, ठीक है। तो ये लग गया हमारा मदरबोर्ड में, और ये हमें लगा देना है हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में कट दिया हुआ है, लेकिन साटा के केबल लगाने से पहले इसका जो पावर होता है ना दोस्तों हार्ड डिस्क में देने के लिए, यहाँ पे SMPS में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें ये दिया हुआ है, ये देखिए ये हार्ड डिस्क में पावर के लिए होता है। तो यहाँ पर इसे आपको लगा देना है, मैंने आप लगा दिया, और ये हो गया डाटा केबल, ठीक है। ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, और ये होता है पावर के लिए।
तो ये हमने लगा दिया। इसके बाद अब हमें लगाना है मदरबोर्ड में पावर देने के लिए, तो SMPS में ये दिया हुआ है, ये पावर के लिए होता है, इसमें 20 पिन है और SMPS में आजकल 24 पिन भी आता है, ठीक है, 24 पिन का भी होता है, 20 पिन का भी होता है, तो मेरे में 20 पिन का है। तो यहाँ पर इसमें होता है कट, और यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर भी ये जो पोर्ट दिया हुआ है जहाँ पे लगाते हैं इसमें भी होता है कट, आपको इसमें बिल्कुल मैच करके और इसे बैठा देना है, ठीक है, तो यहाँ पे बैठा करके और इसे आपको दबा देना है तो बड़े आराम से ही बैठ जाएगा। इसके बाद हमें लगाना है ये CPU पावर देने के लिए, ठीक है, CPU पावर देने के लिए, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए 4 पिन का होता है और इसमें भी कट होता है और यहाँ भी इसमें भी कट होता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इसे इस तरीके से बैठा लगा करके और बैठा देना है, ठीक है, बड़े आराम से बैठ जाता है दोस्तों। और दोस्तों SMPS के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा केबल भी होती है पावर के लिए, तो अगर हम इसे कहीं नहीं भी लगाते हैं तो कोई भी उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो हमारा मेन है हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, और ये अगर एक्स्ट्रा है तो हमें इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसे हम यहाँ पे साइड में कर देंगे। अब हमें करना है फ्रंट पैनल सेटिंग, फ्रंट पैनल में दिया हुआ है हमारे पास USB और ऑडियो, ठीक है, स्पीकर के लिए होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। USB में कोने में एक पिन नहीं होता है और जो हमारा ऑडियो होता है उसमें बीच में एक पिन नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट, देखिए जहाँ पे हमें ये पिन दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख लेना, इसमें ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे कोने पे पिन नहीं है, यहाँ पे कोने पे पिन नहीं है, और इसमें भी इसमें कोने पे पिन नहीं है, तो ये होता है हमारा USB। बड़े आराम से आपको यहाँ पे पिन से पिन मिला करके और आपको बैठा देना है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इस साइड में पिन नहीं है और यहाँ पे इसे मैं बैठा देता हूँ, तो बड़े आराम से मैंने इसे बैठा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ बीच में एक पिन नहीं है और इसमें भी एक पिन बीच में नहीं है, ठीक है, ऐसे तो हम पिन मैच करके हम लगा सकते हैं, ऐसे वहाँ पे भी लिखा होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो और इसमें लिखा हुआ है USB, लिखा भी होता है इसके अंदर, ठीक है, आप इसे रीड करके भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। किसी भी पोर्ट को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, भाई आराम से बस आपको पिन से पिन मैच करना है और उसे आपको लगा देना है, तो यहाँ पे मैंने इस ऑडियो को लगा दिया। इसके बाद दोस्तों अगर आपके कैबिनेट में ये फैन दिया हुआ है इस साइड में, ठीक है, बाहर एयर फेंकने के लिए, तो यहाँ पे ये देखिए पिन दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे इसमें लगा देना है, 3 पिन का होता है तो बीच में यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब कंप्यूटर ऑन करेंगे ना तो जो भी हमारा कंप्यूटर हीट होगा तो ये हमारी हीटिंग को बाहर फेंक देगा, ठीक है। किसी किसी कैबिनेट में होता है, किसी में नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लगा दिया है। अब हमें करना है फ्रंट पैनल सेटिंग, ये देखिए जो हमारा पावर होता है, पावर रीसेट बटन है, फिर पावर LED, ये सब यहाँ से हमें सेट करना पड़ता है, ये दिए हुए हैं सारे केबल और सब में इसमें दिया होता है दोस्तों, ये रीसेट केबल है, ये HD हार्ड डिस्क का LED का है, ये पावर का है और ये पावर LED का है, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी पिन दिया होगा ना आपके उसमें मदरबोर्ड में, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऐसे काफ़ी छोटा छोटा है फ्रंट पैनल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा फ्रंट पैनल सेटिंग है, फ्रंट पैनल लिखा हुआ है, तो इन सभी को हमें यहाँ लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे पिन नहीं होती है ना वहाँ पे आपको लगाना पड़ता है पावर SW, याद रखना, उसके ऊपर में जहाँ पे पिन नहीं होती है उसके जस्ट बगल में आपको पावर SW वाला केबल लगा देना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसके जस्ट नीचे में आपको लगाना पड़ता है रीसेट का, तो रीसेट SW में यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, ठीक है, याद रखना ये दिया हुआ है रीसेट SW, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, तो पावर के जस्ट नीचे ये लगता है रीसेट के लिए, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको लगाना है HD LED, देखिए यहाँ पे रीसेट के जस्ट बगल में आपको लगाना है HD LED, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया, और इसके जस्ट बगल में ऊपर की ओर आपको लगाना है पावर LED के लिए, ठीक है, और आपको प्लस वाले को बाहर करना है और माइनस वाले को अंदर करना है, इसमें दिया होता है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे दिया रहता है प्लस माइनस, तो मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट पैनल लगा दिया दोस्तों, बहुत ही आसान दोस्तों, ये हमारे पावर के लिए होता है, बाकी हमने सारे केबल यहाँ पे लगा दिया है। और अब हमें इस कैबिनेट को कर देना है क्लोज, यानी कि बंद कर देना है, तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है कवर, तो मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, और स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे जो भी पेच है इसके यहाँ पे मैं टाइट कर देता हूँ। दोस्तों हमने पूरा CPU तैयार कर लिया है और अब हमें इसकी केबल को लगा करके और इसे हमें स्टार्ट कर देना है, तो जल्दी से हम इसकी केबल को लगा देते हैं। दोस्तों ये जो VGA केबल है, एक को हमें लगाना है मॉनिटर में और एक को लगाना है CPU में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा CPU, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये देखिए ये भी ब्लू है और यहाँ पर ब्लू पोर्ट होता है, तो इसमें आपको ऐसे लगा देना है,
तो मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, बस आपको इसे बैठा देना है, और ये जो पेच है इसे आपको टाइट कर देना है, ठीक है। ये जो पेच दिया हुआ है इसे आपको टाइट कर देना है, और एक लगा देना है मोइटर में। तो ये मेरा मोइटर है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू पॉट, आप देख रहे होंगे इसे, तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ, ठीक है। बस आप इसमें देख लेना और इसे इसके पेज को यहाँ पे टाइट कर देना, और इसके बाद आप लगाना है इसका पावर केबल, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड माउस का केबल है, तो यहाँ पर ये देखिए एक है हमारा माउस का और एक है हमारा कीबोर्ड का। तो आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर में ना किसी में भी लगा सकते हैं, जो CPU जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 4 USB पोर्ट दिए हुए हैं, आप किसी में भी लगा दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दिया VGA और कीबोर्ड माउस का केबल। इसके बाद हमें देना है इसमें पावर, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें मैं इसे लगा देता हूँ। तो ये मैंने इसमें इसमें लगा दिया, और इसे लगा देता हूँ मैं अपने पावर बोर्ड में, ठीक है। जो मेरा पावर बोर्ड है तो उसमें मैं लगा देता हूँ ये इसे, और इसके बाद यहाँ पे इसमें देना है मोइटर में पावर। तो ये इसका पावर केबल है, देखिए ये मोइटर का है, तो मैं इसमें इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसमें पावर के लिए लगा दिया। दोस्तों कंप्लीट केबल हमने लगा दिया है, ये हमारा पावर हो गया, ये VGA का हो गया, कीबोर्ड माउस, और यहाँ पे हमने मोइटर में भी लगा दिया है। तो हमने PC पूरा कंप्लीट असेंबल कर लिया और सभी केबल हमने लगा दिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को और देखते हैं हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है या नहीं। हमने तो PC असेंबल कर दिया है, तो ये दिया पावर बटन, तो मैंने इसे प्रेस कर दिया, ठीक है। और ये है हमारा मॉनिटर, तो यहाँ पर इसमें प्रेस करने के बाद मॉनिटर में यहाँ पर पावर आ जाना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंप्यूटर पूरी तरह स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप PC असेंबल करके अपने कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं खुद से। तो आपने देखा दोस्तों, कंप्लीट PC असेंबल कैसे करते हैं, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं सभी को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक नया कंप्यूटर परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैंने कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही सस्ता है दोस्तों, जो कंप्यूटर आप 22 से 23 हज़ार में परचेज करेंगे उसे सिर्फ आप 15 हज़ार में परचेज करके खुद से कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं और एक नया कंप्यूटर खुद से बना सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से सभी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट को चेकआउट कर लीजिए। तो आज का इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।